ग्रीटिंग्स प्यारे बच्चों, ये है हमारी Day 24 की अंडरस्टैंडिंग की वर्कशीट। इसमें आपको 5 प्रश्न दे गए हैं, आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। पहला है हल करें। हल करें इसमें आपको भाग दी हुई है, 725 को आपको 6 से भाग करना है। सबसे पहले आप पहली संख्या को देखो, 7 है, ठीक है। अब ये देखो कि 6 के टेबल में 7 तक या 7 से छोटी कौन सी संख्या आती है। 6 × 6 तो 7 में से 6 गए 1, हमने ऊपर से लिखा 2, 6 × 2 = 12 हो गए, ये हो गया। अब ये बच्चा हमारे पास 5 है, ये 6 पर नहीं जाएगा तो हम इसको 0 पर ले जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर अब बच्चों क्या बचेगा, शेष हमारा 5 बचेगा। आगे देखते हैं, 17 से आपको 709 को भाग करना है। अब ये देखो, आप सबसे पहले इनके ये बनाओ, 70 ले लेते हैं, तो देखो 17 × 4 = 68, ठीक है, 4 पे जाएगा ही। अब यहाँ पे देखो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ जाएगा 6, 6 में से 6 गए 0, यहाँ से ऊपर हमने 9 उतार लिया, 17 × 17 = 34 होता है, तो हम 1 पर ले जाएंगे 17। अब 9 में से 7 गए 2 और 12, 2 में से 1 गया 1, 12 नहीं जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पर शेष हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, 6 × 6 = 12, 6 × 2 = 12, और यहाँ 5 था 0, 5, 0, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगला देखते हैं, 6 समान मेजों की कीमत, समान का मतलब होता है एक जैसी, 6 एक जैसे मेजों की कीमत 840 रुपये है, तो एक मेज की कीमत कितनी होगी। आपको 6 दी गई है, आपको 1 की निकालनी है, ज़्यादा की दी गई है, कम की निकालनी है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब 840 को आप 6 से भाग करो तो देखते हैं कितना आता है, 6 × 6 ये देखो 8 में से 6 गए 2, यहाँ ऊपर से उतारा हमने 4, 6 × 4 = 24, ठीक है, ये हमने 0 लिख दिया और ये 0, तो यानी कितनी कीमत होगी, 6 में जो कि 1 मेज की कितनी होगी, 140 रुपये, और 6 में जो कि कितनी होगी, 840 रुपये। अगला देखते हैं, एक कलम की कीमत 15 रुपये है, बताएं 675 रुपये में ऐसी कितनी कलमें खरीदी जा सकती हैं। आपको ये बताया गया है, एक कलम की कीमत आपको 15 रुपीस बताई गई है, ठीक है, तो आपको बताना है 675 रुपये में कितनी कलम आपको मिलेगी। तो अगर ऐसा केस हो बच्चों, हमें रुपये देकर पूछा हो कि कितनी क्वांटिटी या कितनी चीज़ें आएंगी, तो हम वहाँ करते हैं भाग। अब 675 को 15 से भाग करो, कितना आएगा, 15 का पहाड़ा, आपको कम से कम 20 तक पहाड़े या 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। 15 × 4 = 60, 60 होते हैं, यहाँ से 7, यहाँ से उतारा हमने 5, 15 × 5 = 75 हो गया, तो कितना आ गया है बच्चों, 45, यानी 45 कलम हमारी 675 रुपये में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किताब की कीमत 28 रुपये है, एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो ऐसे ही 325 किताबें हमें चाहिए, उनकी कीमत कितनी होगी। तो हमने पता है, अगर हमें एक के बारे में पता हो, ज़्यादा के बारे में निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी 28 को आपको किससे गुना करना होगा, 325 से। देखते हैं हमें कैसे क्या आता है अगर हम 28 को 325 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले आपको इकाई वाली संख्या की गुना करनी है, फिर ढाई वाले की, फिर सैकड़ा वाले की, ठीक है, 8 × 5 = 40, 0 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 4, 8 × 2 = 16 और 4 = 20, 0, 2, 8 × 3 = 24 और 2 = 26, 5 × 2 = 10, 0 हासिल आ जाएगा, 1, 2 × 2 = 4 और 1 कितने होते हैं, 5, 3 × 2 = 6, अब इनको जोड़ दो, 0 × 0 = 6 और 5 = 11 होते हैं, 1 यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 1, 6 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 9, तो कितने रुपये आ जाएंगे, 9100 रुपये, 9100 रुपये हमें चाहिए 325 किताबों की कीमत के लिए। अगला है, संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। देखो यहाँ पर आपको 6 ऐसी संख्याओं का क्रम दिया गया है, हमें इन क्रमों को समझना है कि इनमें इनके अनुसार अगली संख्या क्या होगी। ये देखो, सबसे पहले ना बच्चों हम क्या करते हैं, हम इसको घटा के देखते हैं। देखो यहाँ पर अगली संख्या में से पहली संख्या घटा के देखो, यहाँ कितने का फर्क है, 4, यहाँ पर देखो 5 का फर्क है, 18 में से 12 गए 6, 25 में से 18 गए 7, 33 में से 25 गए 8, यानी अगली संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 9 जोड़ना होगा, तो 33 में 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 42, इस तरीके से हमें ये
मिला है कि पहले 4 जोड़ा, फिर 5, 6, 7, 8, लास्ट में 9। 9 जोड़ के हमें क्या संख्या मिली? 42। अगला देखते हैं, 2, 5, 11 ये दिया हुआ है। अब इनका अंतर देखो, 5 में से 2 गए 3, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर देखो कितना आएगा 12, ये देखो 7 में से 3 गए 4, 24, यहाँ पर है 48 का वर्ग। ठीक है, तो अब हमें क्या पैटर्न मिल रहा है? हमें ऐसे पैटर्न मिलेगा, ये देखो 6 को 2 से गुना किया 24, 24 को 2 से गुना किया 48, यानी अब 48 को हम 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 96, है ना। यानी 95 में इस वाले संख्या में जब आप 96 जोड़ दोगे तो 6, 5, 11, 9, 9, 9, 1, 10 और 1, 19, तो 191, यानी 191 हमें 96 जोड़ने के बाद मिलेगा 48 का दुगना करने के बाद। तो हमारी अगली संख्या क्या होगी बच्चों इस क्वेश्चन में? 191। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो अब इनका बीच का फर्क देखो कितना है, 5 में से 2 गए 3, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आया 7, यहाँ पर देखो कितना आएगा, 26 में 17 गए 9, यहाँ पर आएगा 11। अगला देखो, ये देखो 2 2 का फर्क है ना, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यानी 37 में आप 13 जोड़ो कितना आएगा? 50। अगला देखते हैं, ये देखो इनका फर्क देखो कितना है, 10, यहाँ पर 10 जोड़ा। अब ये देखो 47 में से 52 हो गया, ये घट गया यानी यहाँ से 5 घटा दिया, ये देखो बढ़ गया यानी यहाँ पे 10 जोड़ा, ये देखो घट गया यानी 5 घटा दिया, यहाँ पर देखो 10 जोड़ा और यहाँ पर यानी 5 घटाना पड़ेगा, तो 57 में से 5 गए कितना आएगा बच्चों? 52, कितना आएगा? 52। अगला देखते हैं, 12 में, यहाँ पर देखो 2 का फर्क है, यहाँ पर 21 में से 9 गए कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 5। 28 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा? 33। अगला देखते हैं, ये हमारी लास्ट है, 15, 60, यहाँ पर देखो इन्होंने 4 से गुना किया है, यहाँ पर देखो इसका आधा कर दिया यानी 2 से भाग कर दिया, यहाँ पर देखो 4 से गुना किया, इसका आधा कर दिया यानी 2 से भाग कर दिया, यहाँ 4 से गुना किया, अब यानी हमें यहाँ कर क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा, तो 240 को जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 120। ये इसका पैटर्न है बच्चों, एक बार 4 से गुना किया फिर आधा कर दिया, फिर एक बार 4 से गुना कर दिया फिर आधा कर दिया, तो 240 का आधा कितना होगा? 120। आशा करती हूँ आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आई होंगी, 5 के 5 प्रश्न, और आप खुद भी अपनी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।